विदेश दौरे से लौटने वाले हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनका भव्य स्वागत होगा जयपुर में। आपको बता दें, जापान और कोरिया की यात्रा से जयपुर लौटने पर सीएम का अभिनंदन किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट और बीजेपी कार्यालय पर भव्य स्वागत होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुक्रवार को जापान यात्रा से दिल्ली लौटे, दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। सीएम भजन लाल शर्मा और डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का यहां स्वागत किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता एयरपोर्ट और बीजेपी कार्यालय पर भव्य स्वागत सीएम और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का करेंगे। दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई जब जोधपुर हाउस से सीएम का काफिला रवाना हो रहा था। अब कुछ ही समय बाद सीएम जयपुर पहुंच जाएंगे, जहां पर तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की आम जनता उनके स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। भव्य स्वागत की तैयारियां सीएम की गई है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। और न केवल एयरपोर्ट पर स्वागत होगा बल्कि बीजेपी मुख्यालय पर भी भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। एक बड़ी उपलब्धि के साथ मुख्यमंत्री जयपुर लौट रहे हैं राइजिंग राजस्थान। एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसके सफल आयोजन के लिए सतत प्रयासों में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, उसे भव्य बनाने की दिशा में लगातार काम करते मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। तो अब इंतजार खत्म हो गया है। जापान और कोरिया की यात्रा के बाद कल दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री और अब दिल्ली जोधपुर हाउस से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजन लाल शर्मा, जहां जयपुर में एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही है और लोग बेसब्री से अब सीएम का इंतजार कर रहे हैं। खबरें लोगों तक लगातार सच बेधड़क पहुंचा रहा है। सीएम के दौरे को लेकर पल पल की अपडेट सच बेधड़क पर आपने सबसे पहले देखी, और अब जब सीएम दिल्ली से जयपुर लौट रहे हैं तो वो तस्वीरें भी आपने सबसे पहले सच बेधड़क पर देखी। पल पल की अपडेट और पल पल की खबरों के लिए सच बेधड़क सबसे पहले आप तक तमाम खबरें पहुंचा रहा है। और हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जब दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा और यहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता तमाम लोग इस समय एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं सीएम भजन लाल शर्मा का, उनके स्वागत का। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं जोधपुर हाउस से सीएम, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से जयपुर के लिए रवाना होंगे। भव्य स्वागत की तैयारियां सीएम की गई है जयपुर के अंदर, चाहे जयपुर एयरपोर्ट हो या फिर बीजेपी मुख्यालय। सीएम भजन लाल शर्मा और डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा के भव्य स्वागत की तैयारियां, तमाम कार्यकर्ताओं में आम जनता में उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से सीएम राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरी तत्परता से संकल्पबद्ध होकर लगे हुए हैं, राजस्थान में निवेशक आए, निवेश हो, यहां के लोगों को रोजगार मिले और राजस्थान आगे बढ़े, सबसे अग्रणी राज्य बने, उस संकल्प के साथ सीएम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए जनता इस समय इंतजार कर रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी ऑफिस से सीधे लाइव हमारी संवाददाता नेहा जोशी। नेहा, फिलहाल क्या तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की, क्योंकि यहां पर भव्य स्वागत के सीएम की तैयारियां की गई है, क्या कुछ तैयारियां इस समय बीजेपी में चल रही है? जी बिल्कुल,
जी जी सौरभ, बिल्कुल तैयारियां हैं, पूरी जोरों शोरों पर हैं। कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं, वो पहुंच जाएंगे। आप तैयारियां देख सकते हैं पीछे कि तैयारियां किस प्रकार से यहां पर की गई हैं। सुबह से ही ये तैयारियों में जुटे हुए थे यहां पर कार्यकर्ता, और यहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रदेश प्रभारी यहां पर पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो खुद यहाँ पर मौजूद होंगे। उनके स्वागत के लिए तैयारियां आप देख सकते हैं, यहाँ पर तैयारियां की गई है, सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, और सिक्योरिटी की भी पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। सौरभ जी बिल्कुल, और कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं सीएम के स्वागत के लिए, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, और चूंकि लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए यहाँ पर सभी लगभग सभी विधायकगण भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, विधायक भी धीरे एक एक करके आ रहे हैं, मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, मंत्रियों के बैठने की जगह यहाँ पर अलग कर की गई है, विधायक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूर्व विधायक जो रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और आज ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एसटीएससी मोर्चा की मीटिंग भी यहाँ पर रखी गई थी, तो कार्यकर्ता भी यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, और अभी धीरे धीरे और भी भीड़ आने की यहाँ पे संभावना है, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल नेहा, और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई सामाजिक राजनीतिक संगठन से सुमन शर्मा भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, कई पदों पर बीजेपी में रही हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सीएम दौरा करके यहाँ पर आ रहे हैं, राइजिंग राजस्थान के लिए वो लगातार तत्परता से लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर हो, उनसे बातचीत। शर्मा जापान दौरे से आ रहे हैं, कैसे तैयारी यहाँ पर की गई? देखिए आप देख ही रहे हैं, हर तरफ ढोल दाते बज रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, यहाँ विभिन्न प्रकार के सभी लोग आए, कार्यकर्ता के अलावा बहुत सारे व्यापारिक संगठन के लोग भी आए उनके स्वागत के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा दौरा रहेगा जिसको राजस्थान की प्रगति में ये दौरा बहुत सहयोग करेगा, बहुत सारे MOU होने की संभावना है, वहाँ से जैपनीज टेक्निक राजस्थान आती और इस्टेब्लिश होते हैं, तो रोजगार का भी सृजन होता है, प्रॉस्पेरिटी की ओर राजस्थान बढ़ता है, तो युवाओं के तो फिलहाल बेहद उत्साह का माहौल इस समय बीजेपी मुख्यालय में आप देख सकते हैं। सुमन शर्मा बीजेपी की नेता, और जिन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान राजस्थान के लिए भव्य हो ये कार्यक्रम, और राजस्थान में बाहरी देशों का निवेश हो जिससे यहाँ पर संपन्नता आए, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम है राइजिंग राजस्थान, जिसको लेकर जिस सपने को लेकर मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए थे और सफल होकर अब यहां पर लौट रहे हैं, तो एक भव्य स्वागत की तैयारियां यहां पर मुख्यमंत्री के लिए की गई है। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां भी उनका स्वागत किया जाएगा, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढोल लगड़ों से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा सीएम के स्वागत की तैयारियां यहां पर की गई है। तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि यहां पर जुटे हुए हैं, आम जनता यहां पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। राजस्थान में संसाधन काफी हैं, उनका दोहन होने के लिए पहले साल में इन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान किया है, तो 4 साल में वो धरातल पे भी MOU जमाएंगे, इससे न केवल राजस्थान के संसाधन का विकास होगा अपितु रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जापान हमारा पहले से पार्टनर रहा है, कोरिया का बहुत सा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में है, अभी जापान की यात्रा, जापान में जिस अनुबंध किए हैं वो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, और नए निमराना के अंदर जापान नंबर 1, जापान नंबर 2 दो जोन्स ऑलरेडी हैं, और ये तीसरा जोन गिलोत के अंदर बन जाएगा, तो राजस्थान के मिनरल में, एग्रो प्रोसेसिंग में, टूरिज्म में, इन सब में बढ़ावा मिलेगा, और राजस्थान एक विकसित भारत का हिस्सा बनेगा। देखिए सौरभ, तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है यहाँ पर, और कुछ ही देर में भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रिसीव करने एयरपोर्ट उनको पहुंच गई हैं, और विधायक भी हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं, और देखिए तैयारियां हम आपको वहां से भी दिखा देते हैं कि प्रदेश कार्यालय में मंत्री भी यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, और क्या कुछ तैयारियां आज खास की गई हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम है,
वो यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे नेहा, आपके पास मैं फिर से आऊंगा, फिर से लौटूंगा। फिलहाल हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर एयरपोर्ट से, उनकी तैयारियों के बारे में भी जान लेते हैं। लाल सिंह, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि दो देशों के दौरे के बाद, सफल दौरे के बाद मैं कहूंगा, मुख्यमंत्री जयपुर लौट रहे हैं, भव्य एक उत्साह लोगों में है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्या कुछ तैयारियां इस यहां पर, और कौन कौन पहुंचा हुआ है इस समय जयपुर एयरपोर्ट उनकी अगवानी के लिए? देखिए सौरभ, बिल्कुल पधारो मारो देश की परंपरा के तहत आज जब विदेश यात्रा से भारत लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो उनका ऐतिहासिक स्वागत कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा। और फिलहाल मैं आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ किस तरह की कार्यकर्ताओं ने तैयारी की हुई है। यहाँ तमाम जो मंत्रियों पहुँच रहे हैं, फिलहाल विजय चौधरी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ से तमाम जो मंत्री आ रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा को रिसीव कर रहे हैं वो जाएंगे। और इसके साथ ही एक तस्वीर मैं आपको एयरपोर्ट की दिखाता हूँ कि किस तरह कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे। यहाँ अगर तस्वीर पर नजर डालेंगे, थोड़ा सा दूरी हमें तय करनी पड़ेगी, लेकिन वो विजुअल भी जरूरी दिखाना है। यहाँ तमाम कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और पहले से ढोल नगाड़ों के साथ पहुँच गए हैं, वो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और इसके साथ ही चूँकि दक्षिण कोरिया और जापान की सफल यात्रा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा जब एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो उनका अंदर तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, वो स्वागत करेंगे। इसके बाद बाहर निकलने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उत्साहित राजस्थानी उन अपने सीएम का पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करेंगे, जो कि राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, रोजगार के सृजन के लिए जो प्रयास सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से किया जा रहा है, वो जब राइजिंग राजस्थान में मूर्त रूप लेगा तो राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और राजस्थान को विकसित राजस्थान और विकसित भारत के सपने को साकार करने में कैसे विकसित राजस्थान अपनी भूमिका निभाएगा, वो तस्वीरें मेरे सहयोगी जरा जमाल दिखाएं कि किस तरह लगातार कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। चूँकि और पूरी तरह से यहां अगर आप नज़र डालेंगे तो सीएम भजनलाल शर्मा पूरा फूल बिछाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त लिए हैं, कार्यकर्ता अभी भी फूल और गुलाब के जो गुलदस्ते लिए हुए हैं साथ में पूरी दूर तक। और इसके साथ ही आगे आप देखेंगे तो यहाँ अभी से ढोल नगाड़ों की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नाच गाना यहाँ हो रहा है। तो ये चूँकि उत्साह है, जब सीएम यहाँ पहुँचेंगे तो अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति से सरोवर उनका स्वागत किया जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, कुछ कार्यकर्ता अपने हाथ में गला लेकर पहुँचे हैं। तो दूर तक आप सौरभ, ये तस्वीर है ये बता रही है कि कार्यकर्ता में कितना उत्साह है, कितना जोश है। और इसके साथ ही देखिए कुछ कार्यकर्ता उत्साहित है, इस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। देखिए हमारे राजस्थान के लाल जापान दौरे से लौट रहे हैं और उद्योग जगत में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करके निमंत्रण देके बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो आ रहे हैं और पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है। हमारे सांगानेर विधानसभा में भी बहुत खुशी की लहर है कि हमारे सांगानेर का लाल राजस्थान का नेतृत्व करते हुए आज देश में अपना नाम रोशन कर रहा है और बड़े उद्योगों को यहाँ राजस्थान में लाने का काम कर रहा है। इसलिए सभी भादुए का महीना है, सभी तेजाजी महाराज को मनाते हुए घोड़ी घुमाते हुए लीलन पर चढ़ाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किया जाएगा। बिल्कुल घोड़ी नृत्य होगा क्योंकि वो हमारे लोक देवताओं के इतने भावना रखते हैं, इतनी आस्था रखते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नाश करने के लिए और जो राजस्थान में जो बुरी आदताएं हैं वो इस घोटे को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में वो सब रवाना हो जाएगी, बड़े बड़े उद्योगपति से राजस्थान में आएंगे और राजस्थान उत्साह। और फिलहाल ये जो मार्ग है पूरा आप देख सकते हैं, पूरी फूलों से इसको सजा दिया गया है क्योंकि जब आ रहे हैं दौरे के बाद तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कोई दोहराव नहीं है कि जनता पलक पावड़े बिछाकर राजस्थान की धरा स्त्री जानी जाती है कैसे स्वागत किया जाता है, तो पहले से ही पूरी तरह से फूलों से सजा दिया गया और उसके बाद ही पुष्प वर्षा की जाएगी। और इसके बाद वो भी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ सौरभ, जहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकलेंगे और चूंकि सिक्योरिटी भी पूरी की गई और ये तस्वीर है, यहाँ से उस पल का इंतजार है क्योंकि वो जोधपुर हाउस से रवाना हो गए और इसके बाद इस मार्ग से यहाँ से सीएम भजनलाल शर्मा अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। उस समय राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री उनके साथ रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ रहेंगे और फिलहाल मंत्रियों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक एक तस्वीर एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं किस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत के लिए पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के तमाम नेता पलक पांवड़े बिछाकर आज अपने सीएम का स्वागत करेंगे क्योंकि विदेश की धरती से आ रहे हैं। एक बड़ा दौरा उन्होंने किया है, दक्षिण कोरिया गए, इसके बाद जापान रहे और अब राजस्थान वापस आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो दिल्ली में फिर राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम होने वाला है
और उसके बाद भी सीएम बजरंगलाल सपना दो देशों की और यात्रा करेंगे राजधानी राजस्थान को लेकर। इसके बाद उनका कार्यक्रम रहेगा, यूके जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। तो बिल्कुल वो तस्वीरें भी हम जब स्वागत हो रहा होगा, जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और किस तरह से जनता स्वागत उनका करेंगी वो तस्वीरें भी हम जनता को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये तमाम जानकारी ये तस्वीरें साझा करने के लिए। तो एयरपोर्ट हो या बीजेपी मुख्यालय, स्वागत की तैयारियां सीएम की और दो देशों के दौरे के बाद, सफल दौरे के बाद सीएम जयपुर पहुंच रहे हैं। भव्य स्वागत की तैयारियां यहां पर की गई है।